संगमेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के निर्देशानुसार श्री डॉक्टर श्री दिलीप कुमार झा के निर्देश से श्री रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय के शास्त्री प्रथम खंड उपशास्त्री द्वितीय खंड के छात्रों के व्याकरण के संबंध में व्याकरण विषय वाले छात्रों के संबंध में लघु सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण में कुछ सूत्र और उसका उदाहरण बता रहे हैं। सूत्र है क्रिया विशेषणी द्वितीया। क्रिया विशेषणी द्वितीया सूत्र दे देगा, कहेगा उसका क्या उदाहरण है। जैसे मधुरम हस शीघ्रम धावत, मंदम मंदम चलत, क्रिया का विशेषण है। इस तरह का अगर प्रयोग रहेगा तो क्रिया विशेषण में द्वितीया लगाना है। उपान वध्यांग वशह सूत्र दे देगा और कहेगा उसका उदाहरण दी बताइए। उप अणु आंग और अधि उपसर्ग वश धात के आधार में द्वितीया व्यक्ति होती है। हैं सह देशांतरम उपविशत, सह वनम उपविशत। उप लग जाएगा तो बने नहीं होगा, बनम हो जाता है, इसलिए इस उपाणवध्यांग वशः सूत्र का उदाहरण उपवशत। उप जब लग जाएगा बस में अनु अव हैं इस द्वितीया हो जाता है। उसी तरह है अभितः परितः समया निक्षाहा जोगे। अब कहेंगे उभयतः के योग में कौन सूत्र रहेगा, कौन प्रयोग होगा, कौन विभक्ति लगेगी, तो ये सब पूछेगा। उभयतः तो विद्यालयम उभयतः मार्गाः सन्ति, विद्यालय के दोनों तरफ रास्ते हैं, ऐसा वाक्य रहेगा तो उभयतः का सूत्र है अभितः परितः समया निकषा, ये सूत्र है। समया निकषा के युग में जैसे गृहम समया वृक्ष वर्तते, गृहं समया घर के नदी वृक्ष है, गृहम निकषा तराग वर्तते, विद्यालयम निकषा क्षेत्रम क्रीड़ा क्षेत्रम वर्तते, इस तरह का रहता है। धिक के युग में भी द्वितीया होता है, ध्यान रखना है। धिक है धिक सानुज कुरुपतिम, धिक भयांग धिक, धिक के युग में भी होता है कुरुपतिम सानुज धिक। उसके बाद ये सब तो है ही, अब है सहार्थी, सहार्थी तृतीया जो सूत्र है सह के युग में होता है। सारथी तृतीया सह साकम में है, उसका पूजेगा रामीन सह पिता गच्छत, इसमें कौन सूत्र से सहसी के साथ तृतीया है, सारथी तृतीया है। वह पैर से लंगड़ा है, कहता पा सहपादीन खंजा अस्थि है, सहपादीन खंजा अस्थि दे देगा, कहेगा कारक का सूत्र बताइए, कारक में कौन सूत्र लेगा हैं, तो जीनांग विकार है, इस सूत्र से यहाँ हो गया तृतीया। अक्षराकरण में भी यही होता है। इसी तरह है पूछ देगा वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षात में पंचमी कौन सूत्र से लगा है, आपादानी पंचमी हैं,
हिमालयात गंगा प्रभवत, हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें हिमालयात में जो पंचमी है कौन सी, वह प्रभवश्च, ये सूत्र लगाना है। सह सर्पात विभीत, वह सांप से डरता है। पहले प्रयोग है तो उसका सूत्र कहना है, और सूत्र दे देगा कहेगा उसका उदाहरण, ये सब ध्यान रखना है। सह सर्पात विभीत, सर्पात में जो पंचमी है कौन सूत्र से लगा है, हैं हित्रार्थानाम भय हेतु, हित्रार्थानाम भय हेतु, इस तरह से है। भी और त्रा, भयार्थक त्राणार्थक धातु युग में पंचमी होता है, ध्यान रखना है। भयार्थक त्राणार्थक धातु के युग में पंचमी भक्ति लग जाती है। प्रजाभ्य स्वस्ति दे देगा, कहेगा कौन सूत्र से लगा है। प्रजाभ्य स्वस्ति में, प्रजाभ्य में जो चतुर्थी लगा है कौन सूत्र से, यहाँ सूत्र ध्यान रखना है चतुर्थी का। हाँ, स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग बसठ रोगाच, स्वस्ति के युग में चतुर्थी लग जाता है। ग्रामात आयात, अत्र ग्रामात, ग्राम शब्द को कौन विभक्षी पंचमी है, तो ध्रुव मपाए पादानाम से आपादान होता है, आपादाने पंचमी से पंचमी हो जाती है। बलिम भिक्षदे वसुधाम, बलिम भिक्षदे वसुधाम, चाहे बलिम याचते वसुधाम, वसुधाम बलिम याचते, यहाँ जो सूत्र है बलि से पृथ्वी मांगता है, इस अर्थ में यहाँ तो पंचमी होना चाहिए, आपादान होना चाहिए, लेकिन आपादान को बाध करके सूत्र है अकथितम च, अकथितम च सूत्र का ये है जो कुछ धातु है उसमें पंचमी आपादान पंचमी को छोड़ कर बाध करके यहाँ द्वितीया हो जाता है। जैसे सूत्र कुछ धात दुहयाच पच दंड रुदि ची ब्रू सी मत मुकाम कर्म जुक स्यात तथा कथितं नी ह्री कृख वहाँ, इतनी जो धातु है इस धातु के युग में पंचमी को छोड़कर पंचमी को बाध करके द्वितीया हो जाता है। तो बलिम याच दे बस धाम, इस तरह का प्रयोग। गांग दोगधी पय, यहाँ भी वही है। कटे आस्ति, कटे आस्ति, यहाँ प्रथम पुरुष है ना, यहाँ देवदत्ता है, जगदत्ताम भी हैं, सप्तमी हो जाता है। कटे आस्ति, चटाई पर बैठता है आस्ति, हाँ आधार हो गया कि ना, आधारो अधिकरण से आधार हो जाता है तो सप्तमी हो जाता है। विप्राय गांग ददात, कहता है विप्राय गांग ददात, यहाँ ये प्रसिद्ध प्रयोग है, ब्राह्मण को गाय देता है। विप्राय चतुर्थी है ना, दाधात में कौन है, दानार्थी चतुर्थी है, कर्मणा जम अभिप्रेति स्व संप्रदान, संप्रदान संज्ञा संप्रदान चतुर्थी है, दाधात के युग में चतुर्थी लग जाता है। इसलिए जहाँ जहाँ दाधात का प्रयोग रहेगा चतुर्थी लगेगा, दरिद्राय धनम ददात, लेकिन अपवाद में है धोबी जो कहते हैं रजका, रजकस्य वस्त्रम ददात, वहाँ वहाँ षष्ठी हो जाता है। और शुचिकारस्य, दर्जी और धोबी के जगह पर में यहाँ नहीं होता, बाद में दात, वहाँ तो दान नहीं है, वहाँ तो संबंध है, कपड़ा सीने के लिए देते हैं साफ करने के, इसलिए वहाँ नहीं होगा।
वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ षष्ठी हो जाती है, षष्ठी व्यक्ति मातु स्मरति, शेखे षष्ठी माता का स्मरण करता है, इसी तरह है कारक का। कारक में दष्टु सूत्र जो है अभ्यास कर रहे हैं, द्वितीया तृतीया में कुछ कुछ प्रसिद्ध, अपवर्गीय तृतीया है वो प्रसिद्ध है, अपवर्गीय तृतीया का है। कालवाची मार्गवाची हैं, कालवा यहाँ भी है कालवाची और मार्गवाची, अत्यंत संजोग रहने, नहीं क्रिया की समाप्ति फल की प्राप्ति है, क्रिया की समाप्ति काला धन और अत्यंत संजोग का है, अत्यंत संजोग यहाँ अपवर्गीय तृतीया में है। अपवर्गीय तृतीया में क्या कहता है, अपवर्गीय तृतीया यहाँ क्या कहता है, क्रिया की समाप्ति फल की प्राप्ति रहने पर कालवाच्य और मार्गवाच्य, जैसे मासेन व्याकरणम अधीतम, एक महीने में व्याकरण पढ़ लिया, क्रोशेन कुटलाने, क्रोशेन कथाम कथिता कथिया, इस तरह का ये सब कुछ सूत्र कारक का भी अभ्यास है, कम ही है, इसको अभ्यास कर लेना है।